थैंक यू सो मच। दफ़ा 420 सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। वेल कुमकुम भाग्य एक शुरुआत जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। उसके बाद बेबी आई, बेबी भी सुपर हिट हो गई, मुझे बहुत खुशी है उसकी। अब दफ़ा 420 कर रही हूँ, एक नया शो, हटके शो है जो कॉमेडी प्लस क्राइम है। तो ये भी चाहती हूँ कि मैं लोग बहुत पसंद करें और प्यार दें अपना, और अलग शो है क्योंकि कॉमेडी लोगों को पसंद है और क्राइम भी लोगों को पसंद है। तो ये जब मिक्स होके कुछ नया हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं इसमें, मनोज पावा जी हैं और अमित मिस्त्री हैं, तो आई एम श्योर लोगों को पसंद आएगा। जी 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 हाँ ये सोचा नहीं मैंने कभी। मेरा ये मानना है कि जो भी प्रोजेक्ट अगर आपको पसंद आ जाए, अगर वो कैरेक्टर आपको मन करे करने का, तो मैं वो कर लेती हूँ। मैं ये सोच के नहीं चलती कि अच्छा मुझे सिर्फ यही करना है या सिर्फ वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी अगर मुझे फिल्म्स मिलेगा तो मैं फिल्म भी करूँगी। और ये कैरेक्टर मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि कॉप का कैरेक्टर है। एक कॉप बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो बहुत ही पावरफुल लेडी कॉप होती है, लेडी कॉप अगर होना बहुत ही पावरफुल है, मतलब एक वुमेन के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि उसके लिए मैं फिल्म भले ही किरदार प्ले कर रही हूँ, लेकिन जो रियल कॉप्स होती हैं उनका हैट्स ऑफ, मतलब उनके हाथ में सब कुछ होता है। उनके हाथ मतलब एक मोटे से मोटे आदमी को भी लगा सकती हैं वो तमाचा, कुछ भी कर सकती हैं वो। और तो ये किरदार प्ले करना इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि शी इज़ वेरी पावरफुल, स्ट्रिक्ट है बहुत। दोनों मनोज पावर, चांद मियाँ और भोला, उनके कंट्रोल में है। थोड़ी थोड़ी फन लविंग भी है, प्यारी है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी ये सब नहीं दिखा सकती है। शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और अपना काम बहुत सीरियसली लेती है। बिल्कुल, मैंने ये जो दबंग मैंने काफ़ी बार देखी है, और मैंने अक्षय कुमार की बॉस भी बहुत बार देखी है। और क्योंकि वो भी मतलब अच्छी अच्छे लोगों के पे काम करना, मतलब अच्छी चीज़ें करना, वो सब है। तो और फिर मैंने FIR भी देखा हुआ है। FIR भी चंद्रमुखी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, सारे बहुत सारी लड़कियाँ। और क्राइम बेस्ड सावधान इंडिया बहुत ही हिट शो है, बट ये कम्प्लीटली सावधान इंडिया नहीं है, ये थोड़ा ठगी पे गया हुआ है, ठगी और कॉमेडी है। तो ये सब देख देख के बचपन से देखते आ रहे, तो वो वैसे ही इन्फ्लुएंस होते आ रहे हैं। क्योंकि कॉप मुझे प्ले करना था, आज अभी तक लाइफ में करियर में किया नहीं है, ये पहली बार कर रही हूँ, तो अभी देखते हैं कैसी कैसा करती हूँ। मुंबई में लकीली हम काफ़ी सेफ हैं देखा जाए तो, बाकी उससे स्टेट से। लेकिन मुंबई में भी है क्राइम काफ़ी, लोग आजकल क्या क्या मतलब अलग पैसों के लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये इसी पे भी बेस्ड है, पैसों के ऊपर, पैसों को लेकर लोग क्या क्या कर रहे हैं। और तो मतलब ये मतलब मैसेज भी दे रहा है ये दफ़ा 420 कि सिर्फ पैसे ही इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, खुशियाँ भी इम्पॉर्टेंट हैं, हैप्पीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब भी दिखा रहे हैं हम लोग। मैं इस तरह की बहुत ही स्ट्रिक्ट और ख़तरनाक पुलिस वाली बनी हूँ, जो लोगों मतलब लड़के लोग कैसे कांप जाएंगे मतलब मेरे सामने खड़े होते होते, ऐसी टाइप की बनी हूँ। अभी देखते हैं वो मैं कितना परफॉर्म कर पाई हूँ, कितना पहुँच पाएगा वो लोगों तक। और स्टिल येट बहुत ही सीरियस, बहुत ही और थोड़ा बहुत कॉमेडी बीच बीच में कर देती हूँ। तो हाँ बस यही है, मतलब कॉमेडी प्लस हाँ तड़का लगा रही हूँ। हाँ लगाया तो है, अभी भगवान बचा लेना, दे देना, थोड़ा मेहरबानी कर देना हम पर। बिल्कुल, चंद्रमुखी तो अपने आप में ही अलग छाई हुई है लोगों के दिमाग में। ये कैरेक्टर कॉप का ही है, लेकिन थोड़ा अलग है उनसे, और वो पूरी कॉमेडी शो था, ये थोड़ा सा क्राइम कॉमेडी मिक्स्ड करके तड़का लगा के दिखा रहे हैं। इसी कैरेक्टर में, इसी के कैरेक्टर में कुछ लव स्टोरी
लव स्टोरी ये है कि जो भोला है वो मेरे प्यार में है, तो वो बस मैडम ऐसे वो जो होते नहीं है जो ऐसे ऐसे, तो वो उसमें है, ख्वाबों में ख्यालों में खोया रहता है। मेरा किसी से लव एंगल नहीं है, पर मैं मेरा को अलग अलग किरदार प्ले करने को मिल रहा है। मेरे को जैसे बिहारी लड़की का भी किरदार प्ले करने को मिल रहा है, गांव की लड़की का भी, तो मैं अलग अलग गेटअप में आऊँगी अदर देन नॉर्मल शर्ट एंड जीन्स। हाँ नहीं तो मैं ग्लैमरस भी आने वाली हूँ। यादगार है, वेल सारे ही बहुत ही यादगार रहे हैं, क्योंकि एक तरह से जो कॉप है वो बड़ी, मतलब उसका जो बोलने का तरीका है बहुत ही सरकैज़म टाइप का है, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है करने में। और प्लस एक मैंने मुजरम, हमने ना वो मुस्लिम जो पहनते लोग हैं वो पूरा वैसा गेटअप था हमारा, वो साइड में वो सब लगा के, वो मैंने पहली बार पहना था, तो वो उसमें हिमानी जी भी थी, तो उस वो गेटअप पे मुझे बड़ा मज़ा आया था, और वो सब करने में बड़ा मज़ा आया था, ऐसे इशारे कर रही थी मैं सब कुछ, तो वो इट वाज फन, दैट वाज फन। वो डायलॉग लेकिन मेरे स्ट्रिक्ट ही रहे थे, क्योंकि मैं बोल रही थी क्या कर रहे हो, जाओ जाके ये सब करो, ऐसे वो सब ही चल रहा था मेरा, तो उसमें भी मतलब खूंखार ही हूँ मैं। हाँ स्ट्रिक्ट है। अच्छा कुछ ऐसा चेंज करने को कहा जाए आपको तो क्या चेंज करेंगे, एज अ पुलिस पर रियल में पुलिस बन के आपको कहा जाए तो कुछ चेंज कीजिए, क्या चेंज करेंगे? मैं थोड़ा यही कहूँगी कि और थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए फॉर गर्ल्स, पर आजकल लड़कियाँ भी कम नहीं हैं, लड़कियाँ भी एक कदम आगे बढ़ गई हैं, मतलब गलत कर रही हैं, तो अभी तो मतलब एक से बढ़कर एक है, सब समान ही हैं, सब एक दूसरे को मारने में ही लगे हुए हैं, तो यही कहेंगे कि भाई मत पैसों के पीछे तो मत ही भागो, मतलब इन दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, एक दूसरे को प्यार करो और खुश रहो। हाँ जन्माष्टमी से मेरी बहुत सारी यादें, बचपन में ऐसे कृष्ण भगवान, मैं तो बहुत सजाती थी कृष्ण भगवान का, ऐसे डोली सा बनाती, वो झूला बनाती थी, उसमें कृष्ण भगवान को बैठाती थी, और मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी हमारे कृष्ण भगवान रेडी हैं, और उनको फिर झुलाते थे हम लोग, मिठाइयाँ खिलाते थे, बहुत बहुत मज़े करते थे, तो हमारे सारे कॉलोनी के सारे बच्चे आ जाते थे, हम सब जन्माष्टमी मनाते थे, डांस करते थे, तो यही सब चलता था। तो अब क्या मतलब इस बार, मतलब फिर उसके बाद से जब से शूटिंग चालू कर उसके बाद से तो थोड़ा कम हो गया है, तो अब आप लोग के साथ ही जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग। तो हाँ वो तो रास्ते में ही दिख जाते हैं, ये सब मतलब फुल एनर्जी में सब चढ़ते हैं ऊपर, उसमें तो मन करता है हम भी चढ़ जाएं सीधा ऊपर, बट प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ा उसके लिए, लेकिन कभी ना कभी तो मैं भी चढ़ूंगी। तो तैयारी है चढ़ने? हाँ हाँ तैयारी करने वाली हूँ मैं, कभी ना कभी तो चढ़ूंगी। वेल मैं यही कहूँगी कि दफ़ा 420 हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं, और सैटरडे संडे आने वाला है, आई एम श्योर आप सबको बहुत पसंद आएगा, जाके प्लीज देखिए देखिए देखिए, और साथ में हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू थैंक यू।